Hi everyone, assalamu alaikum. This is Mirabia Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. Doing great. So, जैसे कि मैंने आप लोग को लाइव सेशन में बताया था कि आज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें 2023 का बेसिकली वो एक रीकैप होगा. सच में चाहती हूँ कि ये वाली वीडियो आप लोग देखो ताकि सारी चीजें एकदम से आप लोग के दिमाग में आ जाए, मेरे भी दिमाग में आ जाए, प्यारी प्यारी मेमोरीज इस प्यारी सी वीडियो में शामिल हो जाए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. फुल वीडियो जरूर देखनी है. हर साल का आगाज अच्छा होता है. 2023 का आगाज भी बहुत अच्छा हुआ था. इस साल में अल्लाह ताला हम सबको ढेर सारी खुशियां और हम सब मतलब आंटी लगूंगी. तेरा नाम दिल रख दिया. न्यू ईयर पार्टी हमने की थी कजन्स के साथ जैसे 2024 में की है. वो भी बहुत ही जबरदस्ती पार्टी हुई थी. वहाँ पे आग भी लग गई थी. अजीब सीन था. थैंक गॉड कि किसी को कोई चोट नहीं लगी थी. बट आगाज हो गया था अच्छे से. फिर मैं गई थी एक शूट पर भी इस्लामाबाद. वहां पे जाके मेरी एक म्यूजिक वीडियो शूट हुई थी, आप लोगों को याद होगा. राइट नाउ हम लोग इस्लामाबाद में हैं, एसजी का मॉल शूटिंग. राइट नाउ पहला सेट है. थैंक यू सो मच. और वो फिर फौरन ही रिलीज हो गई थी. शूटिंग डेज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गुजरे थे. एंड इट्स गोना बी अ बिग वीडियो इंशाल्लाह. सर्दी बहुत ज्यादा थी लेकिन अभी इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है और आपके काम बहुत अच्छे से हुआ था. सबसे स्पेशल चीज ये हुई थी कि वो सेकंड नंबर ट्रेंडिंग पर हमारा सॉन्ग गया था. 1 मिलियन व्यूज डन. तो उसकी खुशी मुझे बहुत ज्यादा है. आप लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था. 4th नंबर ट्रेंडिंग पे है. फरवरी के मंथ में 14 फरवरी को आपकी बहन ने एक वैलेंटाइन्स का केक बनाया था, वो भी दिल वाला. आज सब रेड रेड हो रहा है. मैं खुद भी रेड परी बनी हुई हूँ. और वो फर्स्ट टाइम मैंने कोशिश की थी और वो इतना जबरदस्त बना था. उसकी भी पूरी वीडियो मैंने आप लोग से शेयर की थी कि मैंने किस तरह से केक बनाया. कुछ लोगों को तो इंस्टा पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मैंने खुद ने बनाया है. लोगों को लग रहा था नहीं बाहर से आया है. बट आपकी बहन ने बनाया था तो वो मेरा फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट था रेड वेलवेट केक का. सो गाइस माय रेड वेलवेट केक इज रेडी. आप लोग देख सकते हैं. तो वो भी बहुत अच्छा रहा था. फरवरी के मंथ में हम लोग गए थे टूर पर जहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने लाइव स्नोफॉल देखा था. तो बॉलिंग बहुत तेज हो जा रही है. करो यार वीडियो बनाओ हमारी. और वो इतना यू नो इतना हसीन मंजर था कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आप लोग को बता सकूं कि वो क्या फीलिंग्स थी. बट बहुत अच्छा रहा था. फर्स्ट टाइम ऐसे बर्फ ऊपर जा रही थी. ओ माय गॉड. अभी मुझे बोलते हुए दिल चाह रहा है कि मैं पहुंच जाऊं वहां पे फिर से बर्फबारी हो. तो वो भी बहुत खूबसूरत दिन थे. बहुत एंजॉय किया था. ऊपर से मेरे आउटफिट्स बहुत प्यारे थे जो आपकी बहन ने शीन से ऑर्डर किए थे. फाइनली आई एम रेडी एंड दिस इज माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आउटफिट एज यू गाइस कैन सी. सारे कपड़े मेरे बहुत प्यारे थे तो इसलिए टूर के दौरान ही या टूर से पहले अब मुझे सही से याद नहीं है बट मेरा इंस्टाग्राम जो था वो वेरीफाइड हुआ था. बैलून्स भी आ गई है. सरप्राइज रखा था मैंने आपके लिए. टैग आपकी बहन के अकाउंट पे आ गया था. हैप्पी वेरिफिकेशन डे. और वो तो मैं शायद नहीं बता सकती कि उस वक्त मुझे क्या फील हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत पहले से चाहत थी कि बस जल्दी से ब्लू टिक लग जाए मेरे इंस्टा पर. और वो लग गया था अचानक ही. और इतना सीन दिन था मेरे लिए. इतनी मैं खुश हुई थी कि मतलब समझे एक अचीवमेंट होती ना आपकी. एक शायद मुझे जो जो चीजें हासिल करनी थी उसमें से वो एक
सबसे नंबर वन पे था कि मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाए, वो हो गया था। तो उसका मैंने एक बहुत ही प्यारा सा शूट भी कराया था इस्लामाबाद में सर्दियों में। प्यारी थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोग को याद होगा यहाँ पे बना हुआ भी आ रहा है। 2023 में ये बहुत खास चीज हुई थी, वेरीफाइड हुआ था मेरा अकाउंट। फिर आपकी बहन ने एक चैलेंज वीडियो बनाई थी 24 आवर्स कैंप चैलेंज, और वो तो बड़ा मजे का था। 24 आवर्स इन कैंप टेंट का चैलेंज कि हमने छत पे अपना कैंप लगाया था, उसमें सारे बहन भाई बैठे थे, जमा हुए थे। वहीं पे खाना खाया था, वहीं पे मस्तियाँ की थी, सारी चीजें हुई थी। टाइम तो पास करना ही था, हमने सोचा कि हम चिलोड़ी खेलेंगे जो हम बचपन में खेलते थे। वो चैलेंज मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि उसमें बड़ा मजा आया था। 2023 में एक और, बल्कि एक और नहीं, दो चीजें स्पेशल और भी हुई थी। वैसे तो बहुत सारी स्पेशल हुई थी, आगे आगे आप लोगों को पता चलेगा, बट मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आपकी बहन के पास 2023 में 14 प्रो मैक्स आया था। ये है 14 प्रो मैक्स रबीका का, रबीका को बहुत टाइम से चाहिए था ये। माशाल्लाह। साथ ही साथ 15 प्रो मैक्स आया था, मतलब साल के शुरू में 14 आया और साल के एंड में 15 प्रो मैक्स आया। कवर आया था उसके बाद की बहन के बाद 15 प्रो मैक्स आ गया है। यस यस, बाबा ने मुझे गिफ्ट किया था, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बाबा। तो ये वाला साल, मतलब ये वाला नहीं, जो पिछला साल था, इसलिए भी स्पेशल था कि आपकी बहन को इतने बड़े गिफ्ट्स मिले थे। 2023 के जो हमारी रमजान ट्रांसमिशन थी, जो कि स्पेशल थी, डेली आपकी बहन ने अपलोडिंग की थी। चलो डेली तो छोड़ो, उसमें इफ्तार अलग और सहरी अलग की थी। फर्स्ट सहरी है और फर्स्ट सहरी में मेरी आप लोगों से मुलाकात हो रही है। रमजान बहुत 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 मुबारक हो। देखिए पत्ते जो होते हैं मिंट लीव्स, आप उसमें ऐड करोगे। मैं बनाऊंगी पोटैटो स्किन और मलाई बोटी। एग्जैक्टली मलाई बोटी लो। मतलब आप लोग सोचो ये कितनी मेहनत हुई थी। इस साल भी इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक आप लोग के लिए करूंगी जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन इट। तो बहुत जल्द न्यूज आप लोग को मिल जाएगी। वो बड़ी चैलेंजिंग चीज थी क्योंकि यू नो रोज रोज तैयार होके सारी चीजें करना, सब कुछ मैनेज करना, तो वो बिल्कुल ईजी नहीं था मेरे लिए, मुश्किल था, लेकिन फिर भी कर लिया था हम सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली मेरे साथ ही, इसलिए मैं कर पाई, वरना तो हो ही नहीं पाता मुझसे। और 2023 में मेरे अजीज दोस्तों की, मतलब दोस्तों की इन अ सेंस, लाली और जैबू की शादी हुई थी। मतलब निकाह हुआ था और उसी साल में उनकी रुखसती भी हुई है। बहुत मुश्किल मोमेंट होता है ये। मैं बता रही हूँ किस तरह कंट्रोल कर रही है। जैबू की फैमिली बहुत ज्यादा रो रही थी, तो इसलिए भी 2023 स्पेशल रहा है। मेरी एक और म्यूजिक वीडियो जो है वो शूट हुई थी उसी साल में, मतलब 2023 में, और अब तक वो आई नहीं है, रिलीज हुई नहीं है, लेकिन इस साल में आप लोग को बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। वो म्यूजिक वीडियो भी इसी साल रिलीज होगी, सो बी रेडी गाइस, क्योंकि इस साल तो हम धमाका ही करने वाले हैं। आप लोग तो खुशी होने वाले हो, सरप्राइजेस की बारिश होने वाली है। 2023 में मेरी बेबी गर्ल आयरा भी पैदा हुई थी, तो अब हम इसका नाम सोचेंगे कि नाम रखना क्या है। इतने वो भी एक स्पेशल मोमेंट था हमारे लिए, सबके लिए। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन जो थे वो उम्रे से वापस आए थे, और पूरे 3 मंथ्स बाद तो मैं उनसे मिलने गई थी। वो भी एक बहुत स्पेशल दिन था, और यस आई वॉज हैप्पी। फिर आपकी बहन समर टीवी के मॉर्निंग शो में गई थी, जहां पे जाकर उन्होंने बताया था कि इन्होंने इंडियन सॉन्ग्स यू नो शूट किए हैं, जो कि बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेंगे। म्यूजिक वीडियोस मैंने किए हैं, मैंने इंडिया में म्यूजिक वीडियो किए हैं, एंड बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं। तो वो
2022 में जो शूट किए थे वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2024 में, मतलब इस साल में। तो वो समा टीवी के जो हम शो में गए थे वो भी बड़े मजे का दिन था। दानिश सर से हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत ही प्यारे दानिश सर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तो दानिश हूँ, ये प्यारी ये हैं। मदीहा थी वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। कैसा लगा आपको? ऑफ कोर्स मैं आई थी आपके शो में, बहुत अच्छा लगा। और फिर 2023 में आपकी बहन ने अपने न्यू सॉन्ग की, मतलब जो गाना भी आने वाला है, उसकी वोकल्स की थी, उसका भी मैंने एक व्लॉग बना के अपलोड किया था। इंशाल्लाह 2024 में हम उसकी शूटिंग भी कंप्लीट कर लेंगे, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो एक बहुत मजे का दिन था। 2023 में आपकी बहन गई थी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में निदा यासिर के शो में, जहाँ पे मैंने SL बेसिक्स को बेसिकली रिप्रेजेंट किया था, उनके सारे प्रोडक्ट्स को बताया था। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट रबीका खान। यहाँ पे मेकअप की सारी सेटलमेंट हो चुकी है, तो वो भी एक मजे का दिन था क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई थी। अपनी डाइट आज सबने तोड़ दी है, देखो देखो। फिर ईद थी, तो ईद वाले दिन बड़ा मजा आया था, सबको ईदियाँ दी थी, मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था, आप लोगों को याद होगा। ये मुझे पता है किसने दी थी? अन्नू ने। अस्सलाम वालेकुम करो, इसकी तरह से मैं कर रही हूँ। क्या आपकी बहन अब ईदी देती है? लेती नहीं है, मतलब मिलती भी तो वो थोड़ी थोड़ी ही मिलती है। आई बकरा ईद, तो उसमें मैं गई थी हम मसाला के शो में। रबीका क्या अच्छा गाती है और क्या सीन है इसका, बड़ा अच्छा रहा था वो भी एक्सपीरियंस। बहुत सारे चैनल्स पे मैं गई थी, गानों में मैंने नाद भी पढ़ी थी एक्सप्रेस की ट्रांसमिशन में। साबिया नम जो होस्ट कर रही थी, आप लोगों को याद होगा, तो वो दिन भी बहुत हसीन दिन था। ट्रांसमिशन में जाके बहुत अच्छा लगा था, फिर जब नाद पड़ी थी तो वो और भी अच्छा हो गया था। फिर मैं गई थी लाहौर सैमी की शादी में, शहर की शादी में, और बहुत मजा आया था। अचानक से मैं गई थी, उनको मैंने सरप्राइज दिया था। वैसे तो उन्होंने मुझे बहुत पहले से इनवाइट किया हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं नहीं जा पाई थी, बट मैंने कहा कि जाना है, तो इसलिए आपकी बहन फौरन फ्लाइट पकड़ के फौरन पहुंच गई थी शहर की बारात में। सारे इवेंट्स उनके अटेंड किए, फिर मैं आ गई थी वापस, लेकिन वहां पर भी हमने बहुत एंजॉय किया था, लाहौर को बहुत एक्सप्लोर किया था, वहां के मजे मजे के खाने भी खाए थे। फिर हुसैन की बर्थडे थी 31 जुलाई को, तो हमने वो सेलिब्रेट की थी, वो भी बीच पर। एक तो मुझे बीच बहुत अच्छा लगता है, वहां की वाइब बहुत अच्छी होती है, तो पिछली दफा भी मैंने बीच पर ऑर्गेनाइज की थी, इस दफा भी मैंने 2023 में बीच पर ऑर्गेनाइज की थी। मेरा आउटफिट बहुत प्यारा था, बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई थी, सारी चीजें बहुत अच्छी हुई थी। तो वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे था। देन आपकी बहन की बर्थडे आई थी, मतलब 26 सितंबर को आपकी बहन की बर्थडे थी, वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, इतना अच्छा लुक क्रिएट हुआ था, इतना लेकिन उससे पहले प्री बर्थडे भी हुई थी। फिर मैं गई थी एक बहुत ही स्पेशल इवेंट में, एमएक्स ट्रेवल्स का जो इवेंट हुआ था, जहाँ पे सारे क्रिकेटर्स मौजूद थे, शुएब मलिक, शाहिद आफरीदी, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे थे, तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल चीज है मेरे लिए, क्योंकि एक बड़े ऑनर की बात थी कि मैंने उनसे क्वेश्चंस किए, सारी चीजें, तो वो बहुत स्पेशल डे था। फिर उसके बाद, मतलब उस इवेंट के बाद, आपकी बहन पहुंच गई दुबई। हम लोग पहुंच चुके बुर्ज खलीफा, यहाँ पे ले रहे हैं जई खान साहब की पिक्चर। ओह माय गॉड, सो
दुबई में मैंने बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट्स की जो है वो शूटिंग वगैरह की थी, जो कि बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता 2024 में रिवील होते रहेंगे। आज है मेरी म्यूजिक वीडियो का शूट, जो है वो ड्रेस आयरन हो रहा है। दिस इज द लोकेशन, यहाँ विला में हमारा फर्स्ट शूट है। देन हम लोग गए ग्लोबल विलेज, बहुत देख के बड़ा खूबसूरत लग रहा है, प्यारा बहुत लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा। अभी हम लोग यहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेंगे। इतना चल चल के मैं थक गई थी ना वहाँ पर। हाँ, मम्मा का बैग भी खो गया था। बैग कहाँ रख दिया? बैग मेरा बैग था, अभी टांगी भी थी, मुझे लगा मैं बाहर ही भूल गई। वो तो मुझे याद ही रहेगा हमेशा, कुछ और याद हो या ना हो, मम्मा का बैग खो गया था वो याद है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे इतना चले थे, खराब हो चुकी है। मम्मा आप बताएं आपकी हालत कैसी है? मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है, हम दोनों की बहुत हालत है। ग्लोबल विलेज के बाद हम लोग गए बुर्जुल अरब। वो रहा बुर्जुल अरब, वो पूरा व्यू है। अल्लाह, मैं ठंडी क्यों हो रही हूँ पूरी। अटलांटिस मोस्ट फेवरेट होटल है। हम लोग पहुँच चुके हैं अटलांटिस और हम लोग उतर भी चुके हैं। रॉक की पिक्चर बन सकती है क्या? जब हम लोग बुर्जुल अरब गए थे ना, वहाँ पे हम लोग रात में बीच पे गए थे, तो वो बड़ा मजे का दिन था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था ना वहाँ पे, इतना साफ सुथरा पानी, तो बड़ा मजा आया था। फिर माशाल्लाह HT क्लोथिंग ब्रांड जो है उसकी लॉन्चिंग हुई थी, वो इतने मजे का दिन था। सारी चीजें हमने इतनी जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज की थी, बहुत सारी चीजें रह भी गई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें अच्छे से हो गई थी। अभी सच में तो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी न्यू कलेक्शन मिलती रहेगी, क्योंकि अब तो शाफ्सा की भी शादी आ रही है, तो मजा ही आने वाला है भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर आखिरी चीज जो स्पेशल हुई वो थी BCW की रैंप वॉक। बहुत स्पेशल डे था हमारे लिए, हमने मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, और फाइनली हो गया था, तो वो दिन बहुत अच्छा था। हमें बहुत अच्छा लगा था, हम लोग बहुत नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी थे सेम टाइम पर, लेकिन थैंक गॉड हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया था। हमारा आउटफिट बहुत प्यारा था, एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। दूसरा ये कि हम इमरान अशरफ से मिले थे, इतनी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है ना वो, कि आई कांट इवन एक्सप्रेस कि वो कितने अच्छे इंसान है। अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाब करे। दूरी फिशा से मैं मिली थी, शी इज सो प्रिटी इन रियल। सारी एक्ट्रेसेस से हम लोग मिले थे, तो वो बड़े मजे का दिन था। मतलब इतनी मेमोरीज है ना उस दिन की, कि मैं अभी अगर बताने बैठी तो शायद ये वीडियो कम पड़ जाएगी, इतने मजे मजे की चीजें। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने व्लॉग में देखी ही नहीं है, क्योंकि एक तो व्लॉग बनाने बड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि साउंड वगैरह इतना तेज चल रहा था, लेकिन बस वो मेमोरीज है ना हमारे दिमाग में, तो बस काफी है, हमें बस बताना नहीं है। जहां से शुरू हुए थे 2023 की न्यू ईयर पार्टी से, वहीं पे आके कहानी खत्म होती है 2024 की। हमने न्यू ईयर पार्टी की थी, बड़े मजे का दिन था, बहुत एंजॉय किया था, सेलिब्रेशन की थी कजन्स के साथ। हम लोग हमेशा कजन्स के साथ ही करते, तो इस साल भी ऐसा ही हुआ। तो अब 2024 का आगाज हो चुका है, आगाज ही इतना हसीन हुआ है क्योंकि आगे बढ़ के 2 मिलियन कंप्लीट हो गए यूट्यूब पर। मेरी म्यूजिक वीडियो लॉन्च हो रही है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। इंशाल्लाह 9th जनवरी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि 9th जनवरी को आ रही है इंडियन म्यूजिक वीडियो तेरी मेरी, बहुत मजा आने वाला है। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद आप लोगों को BTS वाला व्लॉग ही मिलेगा, आई होप। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वही अपलोड करूं, सो बस स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल ताकि सारी चीजें आप लोगों को ऑन टाइम पता चलती रहे। दुआ में याद रखो, क्योंकि बहुत सारी दुआएं चाहिए, सॉन्ग आ रहा है, तो मैं उस पर चाहती हूँ कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार देखने को मिले, इतना प्यार देखने को मिले कि मजा ही आ जाए। होप फॉर द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, lots of love, take care, bye. I want this love to survive now when I look in your